हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय स्टूडियो। आज का इस वीडियो में हम एक लैंडस्केप सीन करेंगे वाटर कलर में। आप देख पा रहे हैं स्काई पार्ट में पहले मैं एक वॉश दे रहा हूँ विथ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लू कलर, और मैं यहाँ पे कोबाल्ट ब्लू एंड अल्ट्रामरीन ब्लू का ही यूज़ कर रहा हूँ। लैंडस्केप में क्या होता है, हमेशा हम लोग लैंड पार्ट को ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसका डेप्थ बहुत अच्छे से हम लोग करते हैं, बट स्काई में वो डेप्थ आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं इस पेंटिंग में एक पॉइंट से क्लाउड्स को धीरे धीरे डिस्टेंस में लेके जाऊंगा ताकि वो डेप्थ बना रहे, और उस हिसाब से कलर्स का भी डेप्थ ऐड करूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कलर्स है वो अभी धीरे धीरे एक लाइट वॉश के बाद मैं एक कलर दे रहा हूँ, बाद में वो क्लाउड्स को कर रहा हूँ जैसे कि मैं बताया था, एक पॉइंट से क्लाउड्स को ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसलिए ही पेपर को भी उल्टा करके यूज़ कर रहा हूँ ताकि वाटर का जो फ्लो है वो सही डायरेक्शन में रहे, और मेरा फील्ड इजेल जो है वो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत मूवमेंट करने में आसान होता है। और अभी मैं जो पेपर है वो उसको सीधा कर ले हूँ क्योंकि मेरा जो आउटकम है वो मुझे मिल चुका है, और अभी फील्ड का पोर्शन को भी लाइट वॉश एक वेट कर दिया हूँ ताकि कलर्स का फ्लो सही मुझे इस पेंटिंग में कलर का जो फ्लो चाहिए, क्योंकि मेरा जो फिगर्स है वो भी रनिंग पोजिशन में है, और एक स्पीड दिखाने के लिए क्लाउड्स एंड बैकग्राउंड को भी वैसा ही पोजीशन में वैसे फ्लो के साथ होना चाहिए, वो पेंटिंग को लाइव करता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरा स्ट्रोक्स भी एक डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन में ही जा रहा है, और फील्ड में मैं वेरियस ग्रीन्स ब्रंशियाना का यूज़ कर रहा हूँ ज़्यादातर। डेप्थ बहुत ज़रूरी है, तो वेट एंड वेट में लाइट एंड डार्क करेंगे, जितना हो सके कोशिश करेंगे वेट एंड वेट में करने का। वाटर कलर में हमेशा जितना ज़्यादा हो सके वेट एंड वेट में वर्क करना चाहिए, वो फिर क्या होता है हार्ड नहीं होता है, एंड लैंडस्केप पार्ट में भी वो काफ़ी हेल्प करता है। और यहाँ पे मैं फ्रंट से एक शेडो देने के बाद क्या किया, लाइट एंड शेड और काफ़ी ब्यूटीफुल वो हो चुका है। कुछ डिसीजंस जो है वो पहले नहीं लिया जा सकता है, वो पेंटिंग के टाइम में आपको मैनेज करना पड़ता है, जिस हिसाब से पेंटिंग मांग रहा है उस हिसाब से आपको करना पड़ता है। तो जो अभी लैंड का जो पार्ट है, नीचे का ज़मीन का सतह का, वहाँ पे खूब कुछ अप एंड डाउन्स तो रहते हैं, स्टोन्स रहते हैं, तो उसका एक फीलिंग्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, नॉट रियलिस्टिक बट फीलिंग्स दे रहा हूँ। मेरा पेपर पूरा भी अभी तक ड्राई नहीं हुआ है, वेट एंड वेट में ही मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके उसको मेंटेन करने का। और मेरा जो फोकस पॉइंट है, जो मेरा फिगर्स है, उसको मैं फोकस करूँगा, उसको मैं डिटेल वर्क करूँगा, बाकी सबको मैं इसी तरीके से ब्लर करूँगा। तो अभी मेरा सब्जेक्ट जो है उसको मैं पेंटिंग कर रहा हूँ और उसका कलर कर रहा हूँ, वो भी एक रनिंग पोजीशन में है। अम्ब्रेला है जो मैं काफ़ी एक बड़ा बिग साइज़ का अम्ब्रेला दिखाया हूँ, उसका फ्लो दिखाया हूँ ऊपर की तरफ, ताकि जो एक हवा है, एक विंड चल रहा है उसके ऊपर दौड़ना, तो अम्ब्रेला जैसा रहता है वो फीलिंग्स में यहाँ पे लाने का कोशिश कर रहा हूँ। और अगर यहाँ तक आप वीडियो को देख रहे हैं, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और सबके साथ शेयर कीजिए, आप जैसे ऑडियंस के लिए ही ये वीडियोस मैं बनाता हूँ, तो आप लोग अगर लाइक करेंगे तो बहुत मुझे अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर आपका जो व्यू से, आपका जो थॉट्स है इस पेंटिंग के ऊपर वो आप बता सकते हैं, और अगर कुछ नया वीडियोस, नए तरह का वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी पेमेंट फिगर्स का जो पेंट है वो मैं कर रहा हूँ, एक लाइट सोर्स को रखते हुए एक रनिंग पोजिशन में दिखाना है मुझे, इसलिए प्रोमिनेंट तो नहीं होगा, ऊपर का पॉइंट जो है वो प्रोमिनेंट होगा, बाकी सारा ज़्यादातर ब्लर में ही होगा,
क्योंकि मुझे वो फ्लो दिखाना है, वो रनिंग पोजीशन दिखाना है, और जो वेदर है वो क्लियर नहीं है, काफ़ी एक क्लाउडी वेदर है, तो उतना प्रोमिनेंट यहाँ पे आपको नहीं करना है, तो मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ। तो अब फिगर्स जो मेरा ह्यूमन फिगर है वो मैं कलर कर चुका हूँ। अभी धीरे धीरे मुझे जो एनिमल्स के ऊपर जाना है, कुछ एनिमल्स फिगर्स यहाँ पे है, गोट का फिगर्स है, तो मैं अभी वो सेम वे में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसको। एक पहले इसमें तो और ज़्यादा डिटेल्स नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पीड में दौड़ता है, एक रनिंग पोजीशन रहता है, तो आप ऊपर का पार्ट में लाइट एंड शेड थोड़ा सा रखें और नीचे एक ज़्यादा वर्क करें ही नहीं, बस लास्ट में क्या करना है, एक उसका शेडो पार्ट में एक शेडो देना है। तो होप कि आपको ये पेंटिंग, ये तरीका अच्छा लगा होगा। आप लोग प्लीज़ उसको ट्राई कीजिएगा कि ऐसे करके अगर बना सकते हैं, आपको अगर अच्छा लगता है ये टेक्निक और ये वाटर का फ्लो, जो ज़्यादातर बिगिनर्स भी इससे थोड़ा डरते हैं वाटर का फ्लो से, तो डरना नहीं है, आप खेले वाटर से, वाटर कलर से खेलना है पेपर के ऊपर। और शुरू शुरू में आप रब गन पेपर यूज़ कीजिए, वो वाटर को भी बहुत अच्छे एब्सॉर्ब करते हैं, जो हैंडमेड पेपर होते हैं, इंडियन हैंडमेड पेपर, उसको ही आप यूज़ कीजिए। ज़्यादा महंगा पेपर बहुत ज़रूरी नहीं है, बस आपके वर्क को आपको करते रहना है, रेगुलर बेसिस में आप वाटर कलर कीजिए, तो धीरे धीरे वो और अच्छा डेवलप होते रहेगा। तो ये मेरा वीडियो अभी एंड के पोजीशन में है। देखिए मैं जैसे बोला था कि नीचे का शेडोज़ देना है, तो मैं यहाँ पे शेडोज़ दिया हूँ। कोई रनिंग पोजीशन में भी शेडोज़ बहुत ज़रूरी है, एक पेंटिंग में शेडोज़ नहीं होगा तो वो फ्लैट लगेगा। और यहाँ पे अभी देखिए मैं ये ड्राई ब्रश से वो कलर करने के बाद थोड़ा सा उसको और एक फ्लो देने के लिए फ्लैट ब्रश से मैं उसको एक स्ट्रोक दे रहा हूँ उसके ऊपर, तो वो रनिंग का जो एक जैसे हम लोग देखते हैं वैसा एक फील देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो में सब कोई जुड़े रहे, आप लोग देखे वीडियो को, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और सिग्नेचर के साथ वीडियो को एंड करेंगे, थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, तो थैंक यू सो मच।